यहाँ पे मुझे सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है 4n-n² यानी एस एन की वैल्यू 4n-n² गिवन है। मुझे निकालनी है फर्स्ट टर्म यानी s1। अब इसका क्या मतलब है? अब देखो सम ऑफ टू टर्म्स क्या होगी, मेरी फर्स्ट टर्म a1+a2 है ना। सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म a1, एक ही तो टर्म है ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और s1 ये सेम होगा ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन है। मेरे ख्याल से एक बार JEE में भी ये चीज़ आई गई थी और पता नहीं था लोगों को। तो एनी हाउ ओके, तो यहाँ पे मुझे सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालनी है। यानी इस एस एन के फॉर्मूले में एन की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 2 पुट करनी है। 1 पुट करूँगा तो s1 आ जाता है 3, ऐसे ही 2 पुट करूँगा तो s2 आ जाता है मेरा 4 ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म आ गई मेरी 3, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मेरी आ गई 4। सेकेंड टर्म निकालनी है। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ये होगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म a1+a2। फर्स्ट टर्म मेरी 3 है और a2 निकालना है, s2 की वैल्यू 4 पुट करता हूँ, 4 = 3+a2, सेकेंड टर्म मेरी आ जाएगी 1। तो मेरी फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 1, तो इसकी अगली टर्म क्या होगी, 2 कट, -2 कट कॉमन डिफरेंस है तो वो होगा -1, ऐसे ही -3, -5 एंड सो ऑन ठीक है। तो ये मेरी एपी बन जाएगी, इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज जे, सेकेंड टर्म में मेरी सेकेंड टर्म आ जाएगी 1, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा मेरा -2, तो मेरी एपी बन जाएगी कुछ ऐसे 3 1, -1, -3, -5 एंड सो ऑन ओके। अब हमें निकालना है थर्ड, टेंथ और nth टर्म। तो ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, थर्ड टर्म मेरी तो -1 है ही वैसे, पर मैं फिर भी निकाल देता हूँ, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा -1 ठीक है, वैलिडेट भी हो गया। टेंथ टर्म मेरी आ जाएगी ऐसे -15। एनथ टर्म निकालने के लिए एन ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, तो ये आएगा मेरा कुछ ऐसे।